नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत ने पूरी दुनिया को नजरअंदाज करते हुए रूस के साथ 33 फाइटर जेटों की डील कर ली है, डन। और किस प्रकार से रूस को एक बड़ी मदद भारत पहुंचाने जा रहा है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में रूस के खिलाफ लगभग पूरी दुनिया हो चुकी है और अमेरिका के साथ कई सारे यूरोपीय देश रूसी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। अब दोस्तों, यहां पर हालात ऐसे बन चुके हैं कि पुतिन और आग बबूला हो चुके हैं अपने ऊपर लगने वाले प्रतिबंधों से। पर दोस्तों, यहां पर भारत ने रूस के साथ अपनी दोस्ती को बरकरार रखते हुए अरबों डॉलर रूस को देने का फैसला लिया है। अब दोस्तों, भारत ने एक स्पेशली तौर पर एक ऐसा कदम उठाया है जिससे सांप भी मर जाएगी और लाठी भी नहीं टूटने वाली। दरअसल भारत ने रूस के साथ लगभग 12 सुखोई 30 MKI और इसके अलावा 21 की संख्या में MiG-29 फाइटर जेट की डील को डन कर दिया है। अब दोस्तों, इन्हीं फाइटर जेटों को रूस के साथ भारत ने क्यों खरीदा? क्योंकि हमारे पास 272 की संख्या में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट हैं। इनमें से 250 तो ठीक ठाक हैं, पर जो बचे फाइटर जेट हैं वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के हो चुके हैं, क्योंकि 1500 घंटे उड़ाने के पश्चात इनके इंजन पूरी तरीका से स्वाहा हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ सुखोई 30 MKI टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते क्रैश भी हो चुके हैं, जिससे उनका टीन टप्पर उतार कर हमने जो हमारे सही सुखोई 30 MKI हैं उनमें यूज कर लिया है, जिससे भारत को इमीडिएटली तौर पर 33 फाइटर जेटों की आवश्यकता है, क्योंकि MiG-29 जो फाइटर जेट है उसका उपयोग हमारी इंडियन नेवी करती है। और MiG-29 की भी काफी ज्यादा आवश्यकता इंडियन नेवी को है, इसलिए लगभग 21 की संख्या में MiG-29 भारत के लिए रूस से आ रहे हैं। अब दोस्तों, इन फाइटर जेटों को HAL भारत में ही बना सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट HAL ने ही बनाकर भारत को प्रदान किए हैं। अब इसके अलावा दोस्तों, एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत स्टील में वो है अमेरिका के प्रतिबंधों की, क्योंकि अमेरिका पहले से ही बिल्कुल सूद बांध कर बैठा हुआ है और जो भी देश रूस की मदद करने का प्रयास करता है अमेरिका उस पर बहुत ही कड़े प्रतिबंध ठोक रहा है। और दोस्तों, इमरान चचा की जिस प्रकार से अमेरिका ने बजाई है उसके बारे में तो पूरी दुनिया जान रही है। पर दोस्तों, यहां पर भारत के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि कारण है चीन, और रूस के तरह ही चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है। और यदि भारत के ऊपर अमेरिका ने गलती से भी प्रतिबंध थोप दिए तो फिर भारत कभी भी अमेरिका की चीन के खिलाफ कुछ भी मदद नहीं करने वाला। और दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने बहुत ही सोच समझकर यह कदम उठाया है, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बाकी दोस्तों, आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है, और क्या रूस के साथ फाइटर जेट की डील डन करना भारत का सही डिसीजन था या नहीं, कमेंट बॉक्स में राय बस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।